बुश निकल गया इंजन का। क्या हुआ? इंजन का बुश, इंजन का बुश निकल गया इसका। कैसे निकल गया यार इंजन का बुश? खुद ही निकल गया। आया था भोपाल से 1400 रुपए में, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में बताया है, तो 1400 रुपए में लेके आया था। तो भाई उसको 1000 रुपए में यहाँ पे, और उसका तो नुकसान ही हो गया। खैर उसे तो क्या पड़ रहा है, क्योंकि भाई गाड़ी में भी खर्चा आ गया उसके, ठीक है। तो उसने अपनों को 400 रुपए गाड़ी वाले नहीं दिए, इन्होंने नहीं दिए हैं, तो अपन उसको समझे, अपन थोड़ा सा उसकी परेशानी अपन ने समझी, 100 रुपए अपन ने इसलिए कम कर। माल तो बहुत ज्यादा भर के ला रहा है तुम यहाँ, लेकिन क्यों फुल ले रहा है उसकी जान तुम? वही तो कुछ वगैरह कुछ निकल गया है, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये बस घूम ही रहा है एक जगह पर। अगर ज्यादा इन्होंने खींचातानी करी तो ये भाई जो है ना इंजन सीज वगैरह हो जाएगा। हाँ दो दोस्तों, वेलकम टू चैनल रियल इनफो ब्लॉग। भाई कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। भाई आज मैं ना नाइट में लेट नाइट हो गया है, मतलब 6:15 है, देख रहा हूँ आप रात हो चुकी है। तो भाई अर्जेंटली मैं ऑटो लेके आया हूँ भाई यहाँ पर। अभी क्या हो गया है मैं बताता हूँ आपको, देखो ये तो भाई ऑटो दिख रहा है आपको। क्या हुआ? इंजन का बुश निकल गया इसका। कैसे निकल गया यार इंजन का बुश? खुद ही निकल गया क्या? मतलब कैसे निकल गया, धचके में निकला कि कैसे? क्या बुश घूम गया? अच्छा आवाज कर रही, चालू तो हो रही हो। आगे नहीं बढ़ लिया? आवाज कर रही फटफट। अच्छा ये पूरा माल इस पर डला हुआ था। अगर ज्यादा उसमें नाटक करा तो तो वो भाई 3 पहिए का आप है, आप है भाई। भाई अभी इसके अंदर हो गया है नुकसान, मतलब एक बुश वगैरह कुछ निकल गया है, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है, ये बस घूम ही रहा है एक जगह पर। अगर ज्यादा इन्होंने खींचातानी करी तो ये भाई जो है ना इंजन सीज वगैरह हो जाएगा इसका। तो ये पूरी पेटी आ रही थी भोपाल तरफ से, तो अपना जी तो आया भाई कुरावर से इस साइड से, और ये आया है इस साइड से, तो अपना जी तो आया है 400 रुपए में। तो मतलब इमरजेंसी वाला मामला था, अपना ज्यादा नहीं लिया, करीबी मामला है, तो ये पूरा माल इसके अंदर आएगा, ठीक है। और इस गाड़ी का सामान अपनी गाड़ी के अंदर लोड हो रहा है, जैसा मैं आपको दिखाऊंगा, देखो। सात आठ नौ दस ग्यारह 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ पर है भाई दिल्ली दसवाद। देख रहा हूँ आप दिल्ली का स्वाद ऊपर दिख रहा है ये। इनमें पेटी है क्या? क्या इनमें पेटी है क्या? तो आगे केविन पे भी जमा दो ना। हाँ केविन पे भी जमा देना। ये शुभम भाई का माल है, ये अपने मोहल्ले के ही है, पड़ोसी मार्केट के। तो इनका फोन आया कि भाई अर्जेंट है तो चले अपन। तो मैंने कहा भाई चलो, अपन तो बैठे इसलिए भाई अर्जेंट काम के लिए। क्यों माल तो बहुत ज्यादा भर के ला रहा है तुम यहाँ, लेकिन क्यों फुल ले रहा है उसकी जान तुम? वही तो फुल जान ले रहे तुम बच्चे की यार। अरे हल्का तो खैर है, मान रहा अपन। भाई जी तो अपन लेके जाते हैं भोपाल, तो भाई ये 1500-1600 रुपए में लेके जाते हैं। और वो जो है ना भाई ये आप है ओनली 1400 रुपए में आ जाए इतना सारा सामान लेके, ठीक है। ये देखो आप अभी जमा रहा है पूरा आगे अपने केबिन पे अपनी जीतों में। वैसे आप है भाई 1400 रुपए में पार्टी खा रहा है, क्योंकि भाई इसका टोल टैक्स नहीं लगता। अपन अपनी जीतों लेके जाएंगे तो 200 रुपए का टोल लग जाएगा आने जाने में, और इसमें कोई टोल वाली लाइन है नहीं, इसलिए ये 1400 रुपए में पार्टी खा रहा है वैसे। लेकिन लोड इतना ज़्यादा इन्हें लेके नहीं आना चाहिए, इस लोड का तो भाई ज़्यादा लोड के हिसाब से तो पैसे ज़्यादा होने चाहिए, है कि नहीं कॉमेंट करके बताइएगा। क्यों ये क्या टोचन करने के लिए बुलाया? ये टोचन करने के लिए बुलाया?
अच्छा ये भी अपनी है, ये है मामा। ये जो आया भाई, ये आया टोचन करने, इसे खींचने छोटे ऑटो को, तीन पहिए को। अरे कोरावर ही जाएगा, कोरावर कोरावर। ये तुम्हारा, ये हटा लो यार यहाँ से, क्या इन्हें दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ा के लगा दो, इधर कहीं लगा दो पीछे, ताकि ये इन्हें दिक्कत नहीं है सामान वगैरह में। लगाऊं क्या, चले दबा लो, दखवा देते हैं। अरे आराम से लगी तो नहीं, जान दो जान दो जान दो, अब बस बहुत है, रहने दो बस रहने दो। दोस्तों अपनी गाड़ी हो गई बिल्कुल कंप्लीट, ये देख सकते हो आप, हर तरीके से लोड। कंप्लीट बन गई वो तो, कोई दिक्कत आप, कोई दिक्कत नहीं अब तो, ये हो गया बिल्कुल खाली। एक मैजिक का माल है पूरा वो। हाँ मैजिक के तो माल है वो पूरा, छोटे हाथी का बहुत कम पैसे में आ रहे हैं, छोटे हाथी का बहुत कम पैसे में आ रहा है। तो इतने कम पैसे में आ क्यों रहा है यार? अरे यार बंदी हुई है ना यार, यार। अच्छा बंदी हुई है, जबकि 16-17 हजार रुपए का भाड़ा था ये। चलो ठीक है, वो तो कहीं नहीं जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, हो गई चुकी है कंप्लीट अपनी लोड गाड़ी। दोस्तों अब चलते हैं अपन पुरावर, अपनी गाड़ी हो गई है लोड, अनलोड करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बने रहा है व्लॉग में, लाइक कर दो फटाफट से। तो गाड़ी हो गई है अनलोड, यहाँ पर आके देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये था एक इमरजेंसी वाला लोड, मतलब अपन गए थे 400 रुपए में, और ये जो अपन जिसका सामान लेके आए, ये अपनों को भाई लोड देते रहते हैं, कोई कस्टमर इनके पास आता है तो अपने पास फोन लगा देते हैं, तो अपनों को थोड़ा सा समझना पड़ता है। और भाई उसमें एक मैटर ये भी था कि अपन ने 500 ही मांगे थे, लेकिन वो जो बंदा था जो लोड लेके आया था, है ना, वो आया था भोपाल से 1400 रुपए में, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में बताया है, तो 1400 रुपए में लेके आया था, तो भाई उसको 1000 रुपए में यहाँ पे, और उसका तो नुकसान ही हो गया। खैर उसे तो क्या पड़ रहा, क्योंकि तो भाई गाड़ी में भी खर्चा आ गया उसके, ठीक है, तो उसने अपन को 400 रुपए गाड़ी वाले नहीं दिए, इन्होंने नहीं दिए हैं, तो अपन उसको समझे, अपन थोड़ा सा उसकी परेशानी अपन ने समझी, 100 रुपए अपन ने इसलिए कम करे, ठीक है। और ये था भाई आज का व्लॉग, कैसा क्या लगा आप लोगों को भाई कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को ले सब्सक्राइब, ताकि ऐसी नॉलेज वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक, थैंक यू।